दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे जयचंद कौन था, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब जब इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान के नाम को खंगाला जाता है, तब तब एक नाम और है जो उनके साथ जुड़ता है, और वो है जयचंद। किसी भी धोखेबाज, देशद्रोही या गद्दार के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। जयचंद पर ये कहावत ही है कि जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। जयचंद पर आरोप है कि उसने गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने हेतु बुलाया और सैनिक सहायता दी। आइए पृथ्वीराज की हार के कुछ कारणों, उस वक्त उसके साथ गद्दारी करने वाले जयचंद के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हैं। जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। वो गहरवा राजवंश से थे, जिसे अब राठौर राजवंश के नाम से जाना जाता है। दरअसल पृथ्वीराज और जयचंद की पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के मध्य युद्ध भी हो चुके थे, फिर भी पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता से शादी के बाद वह जयचंद का दामाद बन चुका था। पृथ्वीराज चौहान का राजकुमारी संयोगिता का हरण करके कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को कांटे की तरह चुभ रहा था। उसके दिल में अपमान के तीखे तीर से चुभ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विनाश चाहता था, भले ही उसे कुछ भी करनी पड़े। अपने जासूसों से उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद को मनो अपने मन की मुराद मिल गई। उसने गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बनाया। जयचंद के लिए पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। उसने सोचा इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य उसको पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाएगा। राजा जयचंद के देशद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था, वह फिर पृथ्वीराज का मुकाबला करने के षड्यंत्र रचने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी को पृथ्वीराज के खिलाफ सही सहायता देने का आश्वासन दिया। देशद्रोही जयचंद की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। जब पृथ्वीराज को ये सूचना मिली कि गौरी एक बार फिर युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहम्मद गौरी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंदबरदाई ने अनेक राजपूत राजाओं से सही सहायता का अनुरोध किया, परंतु संयोगिता के हरण के कारण से राजपूत राजा पृथ्वीराज के विरोधी बन चुके थे। वे कन्नौज राजा के संकेत पर गौरी के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 300,000 सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि गौरी के पास 120,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की विशेष बात ये थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता से गौरी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सही प्रयोग किया जाता था। गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर तीर वर्षा शुरू कर दी। घायल हाथी न तो आगे बढ़ पाए और न पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रोंदना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि देशद्रोही जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने राजपूत भाइयों को मार रहे थे। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना रात के समय आक्रमण नहीं करती थी। यही नियम महाभारत के युद्ध में भी था, लेकिन तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मारकाट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उसको तथा राजकवि चंदबरदाई को बंदी बना लिया गया। देशद्रोही जयचंद का इससे भी बुरा हाल हुआ, उसको मार कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। पृथ्वीराज की हार से गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। अपने युग सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर गौरी, पृथ्वीराज और चंदबरदाई को युद्धबंदी के रूप में अपने गृह राज्य गौरी की ओर रवाना हो गया। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद दोस्त।